जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में बता रहा हूँ। इनफॉर्मल लेटर जो अनौपचारिक पत्र हैं, इसका प्रयोग हम लोग अपने सगे संबंधियों को लिखने के लिए करते हैं। जैसे एक पुत्र अपने पिता को, एक पुत्र अपने माता को, या एक भाई अपने भाई को, या आप अपने दोस्तों को लिखते हैं। सगे संबंधियों को लिखते हैं जो लेटर्स, वो हमारा इनफॉर्मल लेटर्स में आ जाता है। और फॉर्मल लेटर होता है जहाँ पे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, ऑफिस से संबंधित कुछ बात करने के लिए, पत्राचार करने के लिए बैंक में लिखते हैं, या जो अलग अलग एग्जीक्यूटिव हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, MCD है, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, प्राइवेट ऑफिसेज में जो हम पत्राचार करते हैं, वो हमारा फॉर्मल लेटर में आता है। तो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, एक ब्लॉक्ड होता है, एक सेमी ब्लॉक्ड होता है। तो ब्लॉक्ड फॉर्मेट हम लोग प्रेफर करते हैं। ब्लॉक्ड फॉर्मेट में क्या होता है कि हमें जो जगह नहीं छोड़ना है, यानी कि जो हमारा जो लाइन है, एक लाइन से आपको सब कुछ फॉलो करना है ब्लॉक फॉर्मेट में। जैसे ये हमारा ब्लॉक फॉर्मेट का यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और यही प्रेफर किया जाता है जैसे ब्लॉक फॉर्मेट है। तो आपको मार्जिन नहीं छोड़ना है, जो एक कॉलम बना है एक ही लाइन से सारा कुछ आपको लिखते चलना है। देखिए, इसको अगर आप सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर को, तो ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिखते हैं, और एड्रेस के नीचे तारीख लिखते हैं। यानी कि ये जो लेटर है आपका, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखना है और उसे इन्वाइट करना है सोशल वर्क प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सोशल वर्क बहुत सारा आप करते हैं ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए, जैसे कोई लाचार है तो मेडिकल हेल्प करते हैं, या एजुकेट करते हैं, या कुछ खास साफ सफाई सैनिटेशन से संबंधित सोशल वर्क करते हैं, कुछ जागरूकता फैलाते हैं। तो ऐसे सोशल वर्क आपको कोई भी एक मेंशन करना है, जिसमें आप दोस्त को भी कहते हैं कि आप भी आओ ज्वाइन करो, और आपका नाम मोहन है और आप रेजिडेंट हैं, निवासी हैं 80 सिविल लाइन्स दिल्ली के, ठीक है। तो ये हम ब्लॉक फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अगर यही हम सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लिखेंगे दोस्तों, तो ये सबसे पहले आपको इनफॉर्मल लेटर जो होता है उसमें एड्रेस आप लिखते हैं और डेट लिखते हैं। तो ब्लॉक फॉर्मेट चूंकि हम फॉलो कर रहे हैं, तो अपना ये जो है बिना मार्जिन के अपना लेके चलना है, और नहीं तो फिर आप इसको यहाँ भी चाहते कि एड्रेस हम यहाँ पर देते थे और डेट जो है यहाँ पर लिख देते, यानी कि लेटर के टॉप लेफ्ट में, और इसको हम सेमी ब्लॉक बोलेंगे। और ब्लॉक का मतलब होगा कि हम एक ही कॉलम से अपना हम लिखते चलेंगे विदाउट मार्जिन छोड़े हुए। तो जैसे एड्रेस जो दिया हुआ है लेटर में, वही एड्रेस हमने दिया, नहीं अगर दिया होता तो हम नहीं लिखते यहाँ पे। डेट अपना लिख दिए, और इसके बाद जिसको हमने दोस्त को लिखना है, माई डियर फ्रेंड, माई डियर फादर, माई डियर ब्रदर, डियर लिख के ही संबोधित करना है। अब यहाँ से बॉडी पार्ट स्टार्ट हो रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद मुझे आपका आज पत्र मिला है। सच में आपका जो लंबे दिनों से आप खामोशी आपकी जो थी, तो मैं बड़ा ही अचंभित हो रहा था, सरप्राइज था, लेकिन फिर भी मैं बहुत अब खुश हूँ ये जान के कि अब आप अपने 2 महीने की जो लंबी बीमारी थी उससे आप ठीक हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये सूचित करते हुए कि आप हॉस्टल जो है कुछ दिनों में आप ज्वाइन करेंगे बीमारी से ठीक होने के बाद। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा कॉलेज एक सक्सेसफुली सोशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था पिछले सप्ताह नवंबर में। कॉलेज ने एक टीम बनाया था 15 लड़कों का, और ये लड़के जो थे अलग अलग क्लास से थे, और एक ही कॉलेज के थे लेकिन क्लासेज अलग अलग था सभी का। मैं भी उसमें एक सदस्य था उस टीम का, 15 लोगों की टीम का, और एक मेरे शिक्षक जो हैं, बहुत सारे शिक्षकों में से एक जो शिक्षक हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के, वो इस टीम के कमांडर थे। और हम लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया था, निर्देश दिया गया था कि गांव में जाना है, जो नज़दीक का गांव है रामपुर, लगभग 20 किलोमीटर है पटना से, और हम लोग वहां पे रुके 10 दिन के लिए। और
इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो गांव के लोग हैं इलिटरेट हैं, और ज़्यादातर वो जो लोग हैं वो एजुकेशन को डिनाई करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो इस टीम का था वो ऑर्गेनाइज करना था क्लासेस, खास करके रात में लोगों को एजुकेट करने के लिए। दिस इंक्लूडेड टीचिंग ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड ऑल्सो हेल्थ एंड सैनिटेशन। मतलब इसमें हमें एजुकेट करना था इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बारे में लोगों को रात के शिफ्ट में, और स्वास्थ्य संबंधित हमें शिक्षा देनी थी और साफ़ सफाई से संबंधित शिक्षा देनी थी। जो मेन थ्रस्ट था, जो हम लोग की मेन जो मतलब जो जिज्ञासा था या फोर्स था, फोकस था, वो बेसिक रूल सिखाना था इन चीज़ों का। मुझे उम्मीद है, हम लोग उम्मीद है कि एजुकेशन जो है बहुत लंबा प्रभाव डालेगा और उनका लाइफ और लिविंग जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। प्रोग्राम बहुत सफल था और बहुत ज़्यादा सहायता मिला और गाइडेंस मिला लोगों को। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अवसर है स्टूडेंट्स के लिए कि कुछ समाज से संबंधित सेवा की जाए और नेशन भी इससे लाभान्वित होता है। अपकमिंग प्रोग्राम जो एक आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कंपनी मिल जाएगा अगर आप भी उसमें आते हैं, और हम लोग जो हैं एक एक सीट अभी उसमें बाकी है जो टीम बना है उसमें, तो उसमें आपको जगह मिल जाएगा। और मैं आई वुड वेरी मच लाइक यू टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। मैं बहुत चाहता हूँ कि आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, और प्रार्थना करते हैं कि और जल्दी से आप ठीक हो जाएं। आपका सिंसरली मोहन। तो ये जो दोस्तों एक इनफॉर्मल लेटर है जिसका फॉर्मेट लिख के मैंने बताया है, और इस तरीके से इनफॉर्मल लेटर को आपको खुद खूब प्रैक्टिस करना है। इसका फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट अगर लिखेंगे तो एड्रेस और डेट को टॉप में लिखना है लेटर के, और ब्लॉक फॉर्मेट में लिखेंगे तो ब्लॉक फॉर्मेट ही फॉलो करिएगा। उसमें कहीं मार्जिन छोड़े बिना लगातार आपको एड्रेस डेट और उनको ग्रीटिंग करते हुए अपना बॉडी पार्ट में आना है, और बॉडी पार्ट में आपको अपने से इमेजिन करके जो भी लेटर का मेन जो थीम है उसके अनुसार आपको लिखना है, और धीरे धीरे आप बहुत अच्छे तरीके से लेटर लिखना आ जाएगा। अगेन फिर बात आता है कि सेंटेंस को फ्रेमिंग करना है, तो सेंटेंस को फ्रेमिंग जब हम करते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेज में हमने इसको फ्रेम किया है। जैसे इसमें कैसे लिखा हुआ है देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद, ये फ्रेज है, मुझे आज पत्र मिला आपका। इनफैक्ट योर लॉन्ग साइलेंस, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, हैड लेफ्ट मी पजल्ड एंड परप्लेक्स। छोटे छोटे वाक्य हैं। आई एम हाउ एवर हैप्पी टू लर्न दैट यू हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम योर 2 मंथ ओल्ड इलनेस। तो यहीं सब कहीं ग्रामर में मिस्टेक होने का चांस होता है, जैसे यहाँ 2 मंथ लिख देते तो गलत हो जाता है, क्योंकि आगे एडजेक्टिव है, नाउन है, नाउन के पहले जैसे ओल्ड एडजेक्टिव है वैसे ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का नंबर नहीं होता। आई एम हैप्पियर टू इन्फॉर्म यू दैट, जो भी आपने सोशल वर्क किया है उसके बारे में और जो सोशल वर्क आप करने जा रहे हैं उसके बारे में, छोटे छोटे वाक्यों में इस तरह से आपको बताया गया है। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करिए, आप अपने एक लेटर लिखिए अपने भाई को। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ आपके लिए, इसमें जैसे है एक क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू योर ब्रदर डिमांडिंग हिम ₹5,000 टू बाई अ बाइसिकल एज यू फील inconvenient in going to school
यू आर सोनू सिंह लिविंग इन फर्जी नगर दिल्ली। ये जो है दोस्तों, ये आपका एक सवाल है कि आपको एक अपने भाई को लेटर लिखना है, 150 से 200 वर्ड्स में आप तैयार करिए, और उसमें एक साइकिल का डिमांड 5,000 रुपया मांगना है, एक साइकिल ख़रीदना है, क्योंकि आप जो कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के समय बहुत रश होता है बस में, तो कभी बस पकड़ पाते हैं कभी नहीं पकड़ पाते हैं, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, कभी क्लास में आप लेट हो जाते हैं, तो आपको एक साइकिल ख़रीदना है। तो इमेजिन करके इस चीज़ को लिखिए कि साइकिल क्यों ज़रूरी है और इसके बिना क्या आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है। तो 200 वर्ड्स में आप इस लेटर को लिख के प्रैक्टिस करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है, खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UPPCSJ के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं, इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं।